दोस्तों गवर्नमेंट के न्यू गाइडलाइंस के मुताबिक 31 मार्च 2023 से पहले आपके आधार कार्ड आपके पैन कार्ड के साथ लिंक करना जरूरी है। और अगर आप आधार और पैन कार्ड को लिंक नहीं करते हैं तो आपका पैन कार्ड जो है इनवैलिड माना जाएगा और उसके बाद आप आपके पैन कार्ड को कहीं पर भी यूज नहीं कर पाएंगे। तो आपने आधार कार्ड और पैन कार्ड को लिंक करा है या फिर नहीं करा है, इसका स्टेटस कैसे आप चेक कर सकते हैं, आज के इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूँ। तो आप भी अगर आपके आधार कार्ड और पैन कार्ड लिंक है या फिर नहीं है उसका स्टेटस चेक करना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखते रहिए। तो मेरा नाम है मिथुन और आप देख रहे डिजिटल मिथुन। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सब्सक्राइब कीजिए डिजिटल मिथुन चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी रिलेटेड वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। दोस्तों आपके पैन कार्ड आपके आधार कार्ड के साथ लिंक है या फिर नहीं लिंक है तो उसको चेक करने के लिए सबसे पहले आपको गूगल के क्रोम ब्राउजर को ओपन करना है। तो जैसे ही गूगल के क्रोम ब्राउजर को ओपन करेंगे आपको एक सर्च बॉक्स देखने को मिलेगा। तो स्टेटस चेक करने से पहले आपको बता दूं कि इंडिया में जो है दो वेबसाइट से हम जो है हमारा पैन कार्ड को बनवा सकते हैं, इनके पैन कार्ड इशू किया जाता है। एक होता है NHDL और दूसरा होता है UTITSL, यानी कि ये दो ही कंपनी जो है हमारा पैन कार्ड इशू करता है। तो आपका पैन कार्ड कौन सा कंपनी ने बनाया है, इनके कौन सा दोनों में से कोई भी एक कंपनी होगा तो आपके पैन कार्ड के बैक साइड में आप देख सकते हैं कि कौन सा वेबसाइट के थ्रू आपका पैन कार्ड बने हैं। लेकिन दोनों वेबसाइट का जो है काम सेम है तो मैं दोनों वेबसाइट से आपका पैन कार्ड आधार कार्ड लिंक का स्टेटस चेक करके दिखाऊंगा कि आपका पैन कार्ड लिंक है या फिर नहीं है, और अगर लिंक है तो किस तरह से ये स्टेटस दिखाता है और अगर लिंक नहीं रहेगा तो किस तरह से स्टेटस आपको दिखाता है। तो चलिए सबसे पहला जो वेबसाइट है वो मैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसके थ्रू चेक करके आपको दिखाते हैं। तो सबसे पहले हमें सर्च करना है इनकम टैक्स, तो आप इनकम टैक्स लिख के सर्च करेंगे तो सबसे पहले ही वेबसाइट आपको देखने को मिलेगा इनकम टैक्स। ई वेबसाइट पर आपको क्लिक करना पड़ेगा। तो मैं वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ई वेबसाइट का लिंक दे दूंगा तो आप आसानी से उस पर क्लिक करके यहाँ आ सकता है। तो हम जैसे इनकम टैक्स के ऊपर क्लिक किया है तो उसके नीचे हमें काफी सारे ऑप्शन देखने को मिलेगा क्विक लिंक्स के नीचे। तो उसके साइड में आपको देखने को मिलेगा लिंक आधार स्टेटस, तो आपको इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद हमारे सामने एक और नया पेज ओपन हो जाएगा जो कि आप देख सकते हैं। इधर आपको लिंक आधार स्टेटस का ऑप्शन देखने को मिलेगा, नीचे पैन कार्ड नंबर और आधार कार्ड नंबर डाल के आपको जो है सिंपली स्टेटस को चेक करना है। तो चलिए सबसे पहले आपका जो पैन कार्ड है वो पैन कार्ड का नंबर आप डाल दीजिए। पैन कार्ड का नंबर डालने के बाद आपका जो आधार कार्ड नंबर है वो नंबर को भी आप नीचे का बॉक्स में डाल दीजिए। उसके बाद आपको व्यू लिंक आधार स्टेटस के ऊपर क्लिक करना है। तो जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे इधर आपको बता रहा है प्लीज एंटर ए वैलिड आधार नंबर, तो आधार नंबर जो है आपको सही से डालना है और आपका पैन कार्ड का नंबर भी सही से डालना है। तो चलिए फिर से हमारा आधार नंबर को एक बार सही से डाल देते हैं। उसके बाद व्यू लिंक आधार स्टेटस के ऊपर क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं कि योर पैन हमारा जो यानी कि हमारा जो पैन कार्ड नंबर इज ऑलरेडी लिंक टू गिवन आधार नंबर, यानी कि ये हमारा पैन कार्ड नंबर है और ये हमारा आधार कार्ड का नंबर है, यानी कि हमारा पैन कार्ड आधार कार्ड के साथ ऑलरेडी लिंक है। और अगर आपका ये मैसेज शो नहीं कर रहा है यानी फिर नॉट लिंक दिखा रहे तो आपको जल्द से जल्द आपका आधार कार्ड पैन कार्ड के साथ लिंक कर लेना चाहिए। तो इसके बारे में भी कंप्लीट वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ तो वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके उसको देख के लिंक कर लीजिए। तो चलिए अभी जो दूसरा वेबसाइट है यानी कि UTITSL के जो वेबसाइट है उसके वेबसाइट से कैसे आप चेक करेंगे, तो चलिए फिलहाल हम इसको बैक करेंगे। उसके बाद फिर से हम गूगल में सर्च करेंगे पैन कार्ड आधार कार्ड लिंक स्टेटस चेक, लिंक स्टेटस चेक, उसके बाद हम गूगल में सर्च करेंगे तो सबसे पहले वेबसाइट आपको देखने को मिलेगा pen.utitsl.com। तो इसको ऊपर आपको क्लिक करना है। तो इसका भी वेबसाइट का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा तो आसानी से उस पर क्लिक करके यहाँ आ सकते हैं। तो चलिए इसको हम सिंपली ओपन करेंगे
ओपन करने के बाद आपको इस तरह का कुछ ऑप्शन देखने को मिलेगा। इधर आपको सिंपली जो है आपका पैन कार्ड का नंबर डालना है और आपका डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट करना है और कैप्चा डाल के सबमिट करना है। तो चलिए पैन नंबर सबसे पहले हम डाल देते हैं। उसके बाद आपको जो है नीचे डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट करना है। सबसे पहले इधर आपको ईयर सिलेक्ट करना है। इधर आप आसानी से ईयर को इधर से आपको सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आपको मंथ सिलेक्ट करना है। उसके बाद डेट सिलेक्ट करना है। उसके बाद जो कैप्चा आपको दिख रहे कैप्चा को नीचे बॉक्स के अंदर डाल देना है। उसके बाद आपको सबमिट कर देना है। सबमिट करने के बाद आप देख सकते हैं कि आधार इज ऑलरेडी लिंक टू पैन, यानी कि हमारा जो आधार कार्ड है ऑलरेडी पैन कार्ड के साथ लिंक है, यानी कि पैन आधार लिंक हो चुका है। तो आप इस तरह से आपके आधार कार्ड पैन कार्ड लिंक है या फिर नहीं है कैसे चेक कर सकते हैं, मैं इस वीडियो में आपको दिखाया हूँ। तो आशा करता हूँ कि आप समझ गए होंगे आधार कार्ड पैन कार्ड के साथ लिंक स्टेटस कैसे चेक किया जाता है। और इस वीडियो से जुड़े अगर आपके मन में किसी भी प्रकार के सवाल या फिर सुझाव है तो आप नीचे मेरे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। और आने वाले समय में और भी नई नई ऐसी वीडियोस देखने के लिए आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ सकते हैं। थैंक यू।